हेलो यूजर, वेलकम बैक। मैं हूं श्वेता द्विवेदी। इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि क्या है डेटाबेस टेबल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन है। हम अपने डेटा और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं, वही हमारा डेटाबेस कहलाता है। तो डेटा को मैनेज तरीके से रखने के लिए हम लोग डेटाबेस टेबल का यूज करते हैं। डेटाबेस टेबल कुछ नहीं होती है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर होती है, एक फॉर्मेट होती है जो हमारे डेटा और इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखती है और वो उस डेटा और इंफॉर्मेशन को कॉलम में डिवाइड कर देती है, जिससे कि जो डेटा होता है वो एक दूसरे से सेपरेट रहे। तो हम कह सकते हैं इन शॉर्ट, इट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स डेटा एंड कीप इट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन द कॉलम्स। ओके, तो इट इज अ स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स डेटा एंड कीप डेटा इन सेपरेट कॉलम्स टू ईच अदर। नेक्स्ट है, अब आता है कि जैसे आपने बहुत सारी टेबल्स देखी होंगी। टेबल्स जैसे मैं बताऊं, जैसे आपको मैं वर्ड खोली हूँ, वर्ड में आप इंसर्ट में गए, यहाँ पे बहुत सारी टेबल्स हैं। इस तरीके से आपने टेबल्स ऐड कर सकते हैं, ऐड कर ली। ये सारी क्या है, ये टेबल्स हैं, यही आपके डेटाबेस टेबल एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें हम अपने डेटा को एक दूसरे से अलग अलग तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर, यहाँ मैंने लिख दिया नेम, यहाँ पर मैंने लिख दिया डिपार्टमेंट। तो मैंने क्या किया, इन सबको अलग अलग कर दिया। अदरवाइज क्या होता, अगर मैं इसको ऐसे लिखती सीरियल नंबर नेम DETRDMENT, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या है ये बेसिकली डेटाबेस टेबल, इट इज अ स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स डेटा, जो हमारे डेटा को रखती है इन अ सेपरेट कॉलम्स। यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे से सेपरेटेड कॉलम्स में है, ठीक है। तो यही हमारी क्या कहलाती है, डेटाबेस टेबल। अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज फील्ड एंड रिकॉर्ड्स। डेटाबेस टेबल के अंदर ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग डेटाबेस टेबल के अंदर हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में काफी बात करेंगे फील्ड्स और रिकॉर्ड्स के बारे में। तो फील्ड्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। फील्ड कुछ नहीं होता है, फील्ड हम लोग टेबल के कॉलम्स को कहते हैं और रिकॉर्ड्स हम लोग रोज को कहते हैं। ओरेकल की लैंग्वेज में बस हमारे कॉलम्स और जो रोज होती है, जो टेबल हम जिनको कॉलम्स और रोज कहते हैं, उनके नाम हम लोग चेंज करके इनको फील्ड्स और रिकॉर्ड्स कहते हैं इन डेटाबेस की लैंग्वेज में। तो बेसिकली क्या है, और जैसे ये हमारा ये कॉलम है 1 2 3, ये वन कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। ये सारे क्या है, ये कॉलम क्या कहलाते हैं, हमारे फील्ड्स कहलाते हैं। और ये हमारे क्या है, रोज 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6, ये सारे हमारे क्या है, रोज है। तो ये हमारा रोज है और ये हमारे कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम 1 2 3, ये हमारे कॉलम्स हैं, ये हमारी रोज हैं। तो रोज क्या कहलाती हैं, आपके रिकॉर्ड्स कहलाती हैं, और जो ये हमारे कॉलम्स होते हैं वो आपके फील्ड कहलाते हैं, ठीक है यूजर। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज ओरेकल, ओरेकल क्या है। तो इसके लिए मुझे देखते रहिए, की वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो